नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी। ये शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर अभी तक आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं करी है तो इस शो से जुड़ सकती हैं और अपने सवाल इस शो में पूछ सकती हैं। हमारे साथ आपके कार्यक्रम में सवालों के जवाब देने के लिए बीनू वाघेला है, अपना पैसा .com की चीफ एडिटर। बीनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो चलिए बीनू, शुरुआत करेंगे और एक नजर डालते हैं कि आज टॉपिक्स पर बात करने वाले, यानी कि आज का ऑन द शो क्या रहेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ा हुआ एक सवाल है, उसको शामिल करेंगे। साथ ही इक्विटी वर्सेस डेट, इस तरह के कई सवाल शो पर आते हैं कि अगर लंबी अवधि में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इक्विटी क्या बेस्ट ऑप्शन है, या फिर डेट के जरिए भी कुछ रिटर्न कमाए जा सकते हैं। अगर बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। बीनू, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए एक बार दर्शकों को बता दें कैसे अपने सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं, यानी कि हमारा ईमेल आईडी नोट करें आप, ईमेल या फिर एसएमएस के जरिए शो का हिस्सा बन सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है she@znetwork.com। साथ ही एसएमएस करने का तरीका भी बेहद आसान है। शी हमारा कोड रहेगा, शी लिखकर अपना सवाल 57575 पर भेज सकती हैं। इसके अलावा बता दें कि आपका शो अब ट्विटर पर भी शामिल है, यानी कि ट्विटर से भी जुड़ सकती हैं आप। हमारा ट्विटर हैंडल नोट करें, MMW_ZBiz। जी हाँ, ट्विटर से जुड़कर एक्सपर्ट से सीधे राय ले सकते हैं, शो के वीडियोस देख सकती हैं और साथ ही लेटेस्ट जानकारियां भी ले सकती हैं। बढ़ेंगे आगे। पहला सवाल ईमेल के जरिए हिमांशी जी का सवाल है, इंदौर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है। इन्होंने जैसे बताया है, इनकी उम्र करीब 50 साल और आय इन्होंने बताई है 50,000 रुपये प्रति माह। एनपीएस में तो इनका रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, 6,000 रुपये करती है उसमें डिडक्शन, लेकिन इसके अलावा एक पेंशन पॉलिसी इन्होंने ली हुई है। पेंशन पॉलिसी का नाम जैसे इन्होंने लिखा है अशोर गोल्डन ईयर्स, टाटा एआई की पॉलिसी है। बीनू, आपसे जानना चाह रही हैं इसका प्रीमियम लगभग ये करीब 40,000 के आसपास ही पे कर रही हैं, पॉलिसी कैसी है और इसके अलावा कोई और भी तरीके हो सकते हैं रिटायरमेंट के लिए अगर रकम जमा करनी हो, क्योंकि इनकी एज यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 50 ईयर्स इनकी एज है, यानी रिटायरमेंट में लगभग 10 साल का समय इनके पास रह गया है। आपकी राय? हिमांशी, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने के लिए आपने जो एनपीएस में इन्वेस्ट किया है वो अच्छा और सस्ता विकल्प है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि पार्शियल विड्रॉल जो है वो पॉसिबल नहीं है, और 60 साल की एज के बाद आपको 40% जो है वो एक पीएफआरडीए द्वारा अप्रूव्ड किसी इंश्योरेंस एजेंसी से आपको एन्युटी में इन्वेस्ट लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आप इससे बीच में भी एग्जिट कर सकते हैं 60 साल से पहले भी, लेकिन उस केस में आपको 80% जो है वो पीएफआरडीए द्वारा किसी अप्रूव्ड किसी इंश्योरेंस एजेंसी में रखना पड़ेगा, और 20% जो है वो आप लमसम ले सकते हैं। आपकी एज देखते हुए मैं मानती हूँ कि आपके पास पीपीएफ अकाउंट होगा, तो आप उस पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कीजिए और कुछ और डेट प्रोडक्ट्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। जैसा कि आपने ये पूछा है कि टाटा एआईए का ये एश्योर प्लान कैसा है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रेडिशनल प्लान है जिसमें कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आपने कब लिया, इसका ड्यूरेशन क्या है और सम एश्योर्ड क्या है, तो इस पे हम रिव्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर करवा लीजिए। अपना सम एश्योर्ड, मेच्योरिटी वैल्यू और इंश्योरेंस पेएबल देख के, और अगर रिटर्न आपको सरेंडर करते समय 8% से ज्यादा मिल रहा है या 8% भी मिल रहा है तो ही इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर रिटर्न इससे कम है तो हम आपको इसको सरेंडर करने की सलाह देंगे। जी साथी बीनू, आपसे जानना चाहेंगे इससे पहले कि अगले सवाल की तरफ बढ़े, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी का ये रहेगा कि अब क्योंकि पॉलिसी यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में काफी बदलाव हो गए हैं, 2014 में साल की शुरुआत होती ही कई सारी पॉलिसीज रिवाइज हुई हैं, ऐसे में जो पहले से चली आ रही है पॉलिसीज उनमें रिटर्न्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे। जैसे आपने बोला क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्लान है, रिटर्न्स काफी कम ही इसमें रहेंगे, सरेंडर वैल्यू इनको चेक करनी होगी, लेकिन फिर भी रिटर्न्स आपने कहा कि कैलकुलेट कर ले, एज अ एंड यूजर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां तक ये कैसे पहुंचेंगे कैलकुलेशन में कि इनको किस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है? हाँ, ये उनको अपनी उस एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी की जो इनकी डेट होगी और सरेंडर वैल्यू होगा और फ्यूचर प्रीमियम्स जो भी पेएबल होंगे उसके आधार पर ये अपना आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। नई पॉलिसीज आ रही हैं लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो यही रहेगा। तो चलिए आप थोड़ी बारीकियों से और इसको गौर कर सकते हैं, और साथ ही अगर और डिटेल्स हिमांशी आपने हमारे साथ शेयर की होती तो और बेहतर होता है, एक्सपर्ट की तरफ से आपको राय देना। अगली कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, सिमरन बैंगलोर से मौजूद है। नमस्कार सिमरन, पूछिए क्या सवाल है। हाँ नमस्ते, मेरा सवाल बिनु जी से है। जी, एक HDFC
200 की ऐसे भी स्टार्ट की थी 3 साल पहले, ओके 3000 की, और पीपीएफ में कुछ सेविंग कर रही हूँ और आरडीएफ भी कुछ है मेरे पास, ओके तो और मुझे क्या पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए और पोर्टफोलियो सिमरन आपकी आवाज काफी तरह से साफ तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन आपसे एक मैं चीज जानना चाह रही हूँ, एचडीएफसी टॉप 200 में जो एसआईपी आपकी चल रही है, आपने बताया आप 3 साल से कर रही हैं, रिटर्न्स कैसे आपको मिल रहे हैं, आपने मॉनिटर करने की कोशिश की है? नहीं मॉनिटर तो नहीं किया, अपने बारे में जी सिमरन अपने बारे में आप थोड़ा सा बता पाएंगे एक्सपर्ट को, थोड़ा डिटेल में अपने बारे में, आप जॉब करती हैं, आप कहाँ पर काम कर रही हैं? मैं जॉब कर रही हूँ और मेरी एनुअल 4.5 पैकेज होगा, ओके और पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, आरडीएफ में है। चलिए, यानी डेट एक्सपोजर बिनू जैसे बता रही हैं सिमरन, डेट में ज्यादा एक्सपोजर है, कुछ पीपीएफ में भी कर रखा है, आरडीज भी इनकी चल रही हैं और ये एक फंड इन्होंने चुना हुआ है। इस फंड के प्रदर्शन की अगर बात करें बिनू, तो एचडीएफसी टॉप 200 का पिछले 3 साल के अंदर रिटर्न्स काफी अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं रिटर्न्स पहले से निर्धारित नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देख के आगे का तय करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड को आप कैसे देखती हैं और इसके लिए क्या कोई अल्टरनेटिव आप सजेस्ट करेंगे सिमरन को, कुछ और फंड्स भी शामिल करने चाहिए पोर्टफोलियो में? हाँ सिमरन आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं। जैसे कि पीपीएफ है वो एक बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है और सेफ इन्वेस्टमेंट है, जबकि इक्विटी जो है उसमें रिस्क भी ज्यादा है बट रिटर्न्स भी ज्यादा है। तो आप जैसे कि आप मैं देख रही हूँ आपकी एज काफी कम है, आप काफी यंग हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो 90% इक्विटी में जाना चाहिए और डेट के साथ भी आपको जाना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी जा रही हैं। जहां तक कि आपका ये एचडीएफसी टॉप 200 का रिटर्न्स का सवाल है, जैसा कि पल्लवी ने बताया रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसको डिसकंटिन्यू करने की सलाह दूंगी और आप जो ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ये आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप के साथ जाइए, तो आपको इसमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। और अभी जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एचडीएफसी टॉप 200 में, उसमें इन्वेस्टेड रहने में कोई बुरा हर्ज नहीं है। तो चले, यानी कि आपका जो रिडीम करने का आप क्वेश्चन था वो वहां पर आंसर कर दिया बीनू ने, रिडीम आप नहीं करवाइए, लेकिन इसके अलावा एक बेहतर फंड है इसी कैटेगरी का आईसीआईसीआई फोकस, आप चाहे तो उसमें शुरुआत कर सकती है। पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखें, 5 साल में करीब 22% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने दिया है, जबकि एचडीएफसी टॉप 20 की बात करें जिसकी ज्यादातर जो एक्सपोजर है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में है, लार्ज कैप कंपनीज में है, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, आरआईएल, एसबीआई, और पिछले 5 साल के अंदर इसने रिटर्न बेहतर दिया, लेकिन पिछले 3 साल में जो आपका अभी तक आपने समय कवर किया है 3 साल में रिटर्न करीब 3% का रहा है। आमतौर पर आप जो भी निवेश कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना काफी जरूरी रहता है। इसी नोट पर एक ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे, कुछ और सवाल हैं उन्हें शामिल करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वेमेन। आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल अब ईमेल के जरिए शामिल करते हैं। अगला सवाल नीलम का है, रांची से इन्होंने भेजा है। अपने बारे में इन्होंने बताया 30 साल इनकी उम्र है और बच्चा इनका काफी छोटा है, करीब 3.5 साल उसकी उम्र बता रही है। आगे चल के उसकी पढ़ाई और साथ ही उसकी शादी के लिए कुछ रकम जमा करना चाह रही है। म्यूचुअल फंड से बेहतर क्या हो सकता है बिनू, लेकिन कौन से फंड से चुने, कैसे आगे बढ़े? होराइजन जैसा हम समझ पा रहे हैं इनकी ईमेल से कि लंबी अवधि का ही है, कौन से फंड चुनने चाहिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए? नीलम जी, ये बहुत ही अच्छा है कि आपने अपने छोटे से बच्चे के लिए ही अपने एजुकेशन और उसकी मैरिज के का प्लान करने की सोची है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करें और कॉर्पस बिल्ड करने की सोचें वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो। और इसमें मैं आपको ये अगर मैं ये अनुमान करूँ कि आपके बच्चे की हायर एजुकेशन की वैल्यू आज की डेट में 10 लाख रुपये है और वो 15 साल बाद ये इसको इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उसका जो अमाउंट होगा वो 32 लाख रुपए के करीब होगा, जिसके लिए मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप 6000 रुपए महीना इन्वेस्ट कीजिए। और अगर मैं उसकी शादी का अनुमान लूं और उसकी भी वैल्यू आज की डेट में 10 लाख रुपए मानूं, तो आज से 20 साल बाद उसकी कीमत 46 लाख रुपए होगी, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 4500 रुपए प्रति माह इन्वेस्ट करें। जी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके लिए
आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप फंड और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड अच्छा रहेगा। और अगर मैं अनुमान करूं कि आपको 12.5% के लगभग का रिटर्न मिलेगा तो आप अपनी कॉर्पस तक पहुंचने की आपकी जो संभावनाएं हैं वो काफी अच्छी हो जाती हैं। राइट। और जहां तक आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है और टाइम होराइजन काफी लंबा है तो आप 90% इक्विटी के साथ जाइए, लेकिन 10% निवेश डेट में जरूर कीजिए, पीपीएफ में डालिए और गोल्ड फंड्स में डालिए, जैसे कि एसबीआई गोल्ड फंड्स या रिलायंस गोल्ड फंड। तो हमारे एक्सपर्ट की तरफ से राय है 90-10 का आप एक रेशियो बना सकते हैं, 90% ज्यादा निवेश आप अपना इक्विटी में रखें। कुछ फंड्स भी बीनू ने आपको सजेस्ट किए हैं, उस तरह से आगे बढ़ना होगा। साथ ही आप 15-20 साल इस तरह से लक्ष्य अपने डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग एसआईपीज करेंगे तो लक्ष्य हासिल करना ज्यादा आसान होगा। अगला सवाल डेलनास का है, मुंबई से भेजा इन्होंने, उम्र इनकी 40 साल है, ये एकमुश्त निवेश की बात कर रही है। इन्होंने मेंशन किया कि 4 लाख रुपए निवेश करना चाह रहे हैं कोई म्यूचुअल फंड में, जाहिर है कि किसी डेट फंड की ही सलाह देंगी बीनू आप। इनका जो मौजूदा निवेश है, खास डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया एफडी में फिलहाल निवेश किया हुआ है, कुछ एसटीपी के जरिए अगर चलती हैं तो क्या ज्यादा बेहतर रहेगा डेलनास के लिए? पीनू, डेलनास कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे लमसम हो चाहे मंथली हो, उसमें दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका टेन्योर क्या है और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो अगर आपके केस में मैं ये मान रही हूँ कि आपका टेन्योर जो अगर 5-10 साल के बीच में है तो आप ये निवेश जो है वो अल्ट्रा फंड या लिक्विड फंड्स में कर सकती हैं। और एसटीपी के तहत इसमें 20,000 रुपये पर महीना 20 महीने तक ट्रांसफर कर सकती हैं, जिससे कि किसी बैलेंस फंड में म्यूचुअल फंड में। इसके लिए मेरे रिकमेंडेड फंड्स आपको रहेंगे आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस फंड और एचडीएफसी का बैलेंस फंड। अब आपको बैलेंस फंड इसलिए बताया है क्योंकि मैंने आपका टाइम होराइजन जो है वो 5-10 साल अनुमानित किया है जी। लेकिन अगर आपका टेन्योर जो है वो 3-5 साल के बीच में है तो आप एमआईपी के साथ जा सकती हैं म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन अगर आपका टेन्योर 3 साल से कम है तो आप इनकम फंड्स या एफएमपीस के साथ जा सकती हैं म्यूचुअल फंड्स के। तो काफी सारे ऑप्शंस यहां पर आपके टेन्योर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बिल्कुल बीनू, आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी अवधि यहां पर क्लियर नहीं है कितने समय के लिए करना चाह रही है, लेकिन डेलनास मेन बात यही है कि आप कितने समय के लिए आगे बढ़ना चाह रही है। अगर 1 साल से कम, 1-3 साल का नजरिया, उसके लिए अलग फंड्स आपको बीनू ने सजेस्ट किए हैं। 3-5 साल है तो एमआईपीस कर सकते हैं, अदरवाइज बैलेंस फंड्स के भी कुछ ऑप्शंस है आईसीआईसीआई और साथ ही एचडीएफसी बैलेंस, जिनका रिटर्न भी लगभग 5 साल के अंदर 22% के आसपास रहा है। अपनी अवधि के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल शामिल करेंगे मंजू तलता जी का सवाल, जोधपुर से भेजा है इन्होंने, उम्र इनकी काफी ज्यादा है, 54 ईयर्स जैसे मेंशन किया हुआ है, हाउस वाइफ है, कुछ एक पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया बीनू इन्होंने और आपसे भी हमने ईमेल पर शेयर किया था, काफी लंबा पोर्टफोलियो, और इनका क्वेश्चन भी यही है कि इसको कैसे कट शॉर्ट करें, क्योंकि इन्होंने काफी समय से करती हुई आ रही हैं इसको और लंबी अवधि के लिए ही प्लान किया था, अब एक ऐसी एज पे पहुंच गई हैं जहां पर ये वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ इनको जो रिटर्न्स मिलने की बारी है उसकी ये बात कर रही है। 54 ईयर्स इनकी उम्र है, ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा नजर आता है, कट शॉर्ट करना है तो कौन सी एसआईपीज रोकनी होंगी? मंजुलता जी, आपका पोर्टफोलियो में काफी अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं और अच्छी बात है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, लेकिन मैं आपकी एज को देखते हुए ये सलाह देना चाहूंगी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में 40-50% के से ज्यादा ना हो और इस बाकी जो बैलेंस्ड है वो डेट में हो। तो अगर आपने पीपीएफ अकाउंट है आपका तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए और किसी और डेट फंड्स की तरफ भी आप म्यूचुअल फंड्स में देख सकते हैं। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, इसमें मैं समझ रही हूँ कि यह काफी बड़ा पोर्टफोलियो है जिसको कि आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में या उसका रिव्यू करने में आपको शायद दिक्कत आ रही होगी। तो इसके लिए मेरी सलाह यह है कि आप 4-5 अच्छे फंड्स चुन लीजिए, और जो फंड्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो है आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, रिलायंस गोल्ड फंड एंड एसबीआई एमर्जिंग फंड्स। इनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट रखिए। दूसरे फंड्स मैंने आपको सिप स्टॉप करने का दिया है, जिसके की डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे, आप वो नोट कर लीजिए। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की मदद लीजिए और समय समय पर अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं।
जी, तो बहुत सारे फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में जमा किए हुए हैं, लेकिन उनको कट शॉर्ट करके बीनू ने आपके लिए एक नया पोर्टफोलियो बनाया है। 4 से 5 फंड्स एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए ठीक रहेंगे। फिलहाल आज के शो में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे। बीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कैसे शो में सवाल भेजने हैं, यानी कि ईमेल आईडी नोट करें, shi@znetwork.com पर आप अपने सवाल मेल कर सकते हैं। याद रहे अपना फोन नंबर उसमें जरूर लिखें, लेकिन इसके अलावा SMS भी आप कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आप शी हमारा कोड लिखकर अपना सवाल 57575 पर भेज सकती हैं। इसके अलावा ट्विटर से भी जुड़ सकती हैं, MMW_ZBusiness हमारा ट्विटर हैंडल है। फिलहाल इस शो से हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।